तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावी होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार करुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खड़े उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपरीत श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्णा। अभी देखिए, अभी कौन किसका उत्साह चल रहा है? गणेश उत्सव। और हम लोग यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और इसमें अभी कीर्तन चालू हुआ तो पीछे वाले कीर्तन भी, पीछे क्या दर्जन कीर्तन के बाकी जन कीर्तन नहीं किए, तो गणेश भगवान के बड़े बड़े काम जो सूप की तरह काम है उनके, मालूम है आप सभी को गणेश भगवान के काम कैसे हैं? सूप की तरह है। उनके काम सूप की तरह क्यों है? क्योंकि वो भगवान की कथा सुनने के लिए उनके कान बड़े बड़े हैं। जैसे हम संसारी लोग भी सूप में क्या करते हैं? अनाज को साफ करते हैं, तो जो कचरा रहता है उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, और जो सार रहता है वो सूप में रह जाता है। तो गणेश जी हमें यही बता रहे हैं कि हमें ये जो दो काम मिला है, इसे हमें भगवान की कथा और कीर्तन सुनना चाहिए और मुँह से बोलना चाहिए, न कि हमारा काम निंदा सुनने के लिए है। हमारा ये दो काम भगवान जो दिए हैं, ये निंदा सुनने के लिए नहीं है, ये कथा सुनने के लिए हमारे दो काम हैं। क्योंकि गणेश भगवान निंदा नहीं सुनते, वो दो काम से भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमें भी वो शिक्षा दे रहे हैं। ये जो दो काम मिला है हमें, जो भगवान दिए, इस काम से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए, और जो संसार की जो बातें हैं उसे हमें अपने कान में नहीं डालना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। संसार के लोग क्या है, संसार में क्या करते हैं, अगर कहीं किसी की निंदा हो रही है, ये गणेश जी से हमें शिक्षा लेना है कि जब निंदा हो रही है तो हम क्या करते हैं? दीवार पे कान लगा के सुनते हैं, हाँ, कान लगा के सुनते हैं कि क्या बात हो रही है। लेकिन गणेश जी कान लगा के नहीं सुनते, वो सिर्फ उनकी उनका कान जो है वो भगवत भगवान की कथा सुनने के लिए। तो हमें दीवार पे कान लगा के किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए इस कान से, नहीं तो जो निंदा सुनता है किसी की, वो कहाँ जाता है? नरक में जाता है। भगवत गीता होगा आप लोग के पास तो आप लोग घर में पढ़िए, पहले भगवत गीता पढ़िए। भगवान बताए हैं कि जो निंदा सुनता है, काम क्रोध लोभ ये तीन जो हैं, ये नरक के द्वार हैं, ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। लेकिन हमको मालूम है कि नर के द्वार हैं, लेकिन हम तो भी आसक्त हैं, हमें आसक्ति नहीं करना चाहिए, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, क्रोध तो करना नहीं चाहिए, किसी जीव को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान के भक्त हैं तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध तो भक्तों को करना ही नहीं चाहिए। हम लोग आज
चौदह पंद्रह सोलह साल से यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं और तब से गीता पढ़ रहे हैं और गीता के सार सुन रहे हैं, लेकिन हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम लोग में सत्संग करने का मतलब क्या है कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन कहाँ है? नहीं है, हम जहाँ के वही हैं। तो अगर यही करना है तो इससे अच्छा तो हमारे पड़ोसी भी हैं, फिर यहाँ समय बेकार क्यों करना चाहिए यहाँ पर? फिर पड़ोसी कम है, पड़ोसी वाले से करो अपना। जितना समय यहाँ पर हम देते हैं यही समय हमारे भगवान के यहाँ हमारा नोट होता है, चाहे हम सेवा में दें, चाहे कीर्तन में दें, चाहे भजन में दें, इतना ही समय हमारा वहाँ नोट होगा। बाकी समय हम संसार में देते वो नोट नहीं होगा, वो समय बेकार है। जितना समय में भजन करेंगे, जितना समय भगवान की सेवा करेंगे, उतना ही भगवान के यहाँ नोट होगा, बाकी समय बेकार है, सब व्यर्थ है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? भगवान का कीर्तन और भजन। अभी यहाँ कीर्तन हो रहा, घर में तो आप लोग कीर्तन करते नहीं हैं, तो जब यहाँ कीर्तन हो रहा है उतना समय तो भगवान के सामने आप मुंह खोल के कीर्तन करो। भगवान मुख क्यों दिए हैं? निंदा करने के लिए नहीं दिए हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए, इसके लिए मुख दिए हैं। लेकिन ये मुख भी हम कहाँ लगा रहे हैं? निंदा करने में। अगर हम भगवान कृष्ण भावना भावित हैं, भगवान के शरण में हैं, अगर हम सही लाभ नहीं उठाए तो हम न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। गीता में भगवान ने साफ साफ लिखा है कि गीता हमें जीने की कला सिखाती है, कैसे हमें जीवन जीना है, ये हमें गीता बताती है कि हमें कैसे जीना है, ना हमें इधर जाना ना हमें उधर जाना है। हम गीता से सीख सकते हैं पढ़ के कि हमें जीवन कैसे जीना है, लेकिन हम जब गीता पढ़ेंगे तब, जब गीता को मोड़कर मंदी में रख देंगे, एक दिन भी नहीं पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो बताया जाएगा वो नीचे जाके कान से बाहर चला जाएगा, क्योंकि गणपति के जैसे हमारे कान नहीं है। लेकिन हम सभी को कैसा कान बनाना है? गणपति के जैसे, कि हमें भगवान की कथा ही सुननी है, निंदा नहीं सुननी है किसी की और न निंदा देखनी है किसी की। और जैसे एक भक्त की आज है एकादशी, मालूम है सभी लोग एकादशी किए? कितने जन एकादशी किए, हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी जन एकादशी नहीं है। इसी एकादशी पे एक कथा हमारी है। आज कौन सी एकादशी है? अच्छा, ये वो भी नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं। एक भक्त का, ध्यान से सुनिए कथा और अपने जीवन में उतारिए। जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति में हमको सरल बनना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर कचरा नहीं रहता है, जैसा अंदर वैसा बाहर, एक छोटा बच्चा, वैसे ही एक भक्त को भी रहना चाहिए, जैसा अंदर वैसा बाहर। हम लोग क्या करते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, इसे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से भी रहें। एक भक्त था, वो बहुत खाता था, कम से कम दो ढाई सेर, और वो घर का कोई काम नहीं करता था। हमारे कुछ नए भक्त हैं जो एकादशी नहीं किए हैं उनके लिए, और जो किए उनके लिए भी। वो खा के जिधर जाता था उधर लुढ़क जाता था, घर का कोई काम नहीं करता था, घर वाले बड़े परेशान, सोचते थे ये तो दो ढाई से खाता है कोई काम भी नहीं करता है,
और इधर खाए उधर लुढ़क जाता है, इसको घर से निकाल दो तो कोई काम का नहीं है। उसको घर से निकाल दिया, बेचारा जाए कहाँ। तो घर के सामने देखा एक मंदिर था, वहां पे एक संत बैठे थे, वो संत बहुत हिस्सपुष थे। तो वो भक्त सोचा, देखा उस संत को, देखा बोला ये संत तो बड़े तंदुरुस्त है, ये खूब खाते पीते होंगे। अब जैसे ही वो उस संत के पास गया कि हम संत से बात करें, अपना चेला मुझे भी बना ले, वैसे उसी समय संत के पास उनके चार पांच चेला और आ गए, वो भी हिस्सपुष एकदम। तो मन में सोचा, बोला ये सब खूब खाते होंगे यहाँ पर, तो यहाँ रहेंगे तो हमें भी मिलेगा। अब वो संत के पास गया, हाथ जोड़कर उनके संत के चरण में बैठ गया। बोला गुरु, गुरु जी मुझे प्लीज अब मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। बोले ठीक है, बैठो रहो यहाँ पर। वो बैठ गया, बोले कि यहाँ पे सुबह शाम भगवान की आरती और सेवा होता है और सेवा में रहना। बोले ठीक है। बोले पंगत, उनको खाने की पड़ गई। बोले पंगत कितनी बार होती? बोले दो बार होता है। बोले बस दो बार? बोले चलो तुम चार बार बैठ जाना। बोले ठीक है। अब संत ये भक्त को दीक्षा दे दिए, घंटी डाल दिए गले में, नाम रख दिए, नाम जपने को बोल दिए कि नाम जपो। बोले ठीक है। कुछ दिन तक वो भक्त किया ऐसे ही। उसके बाद आ गई एकादशी, एकादशी आ गई। अब सुबह से वो भक्त सोच रहा है कि आज तो भंडारा ठंडा पड़ा है, आज तो कुछ बना नहीं है, क्या बात है आज कुछ बना नहीं, क्योंकि वो एकादशी तो करता नहीं था। गया गुरु जी के पास में, बोला गुरु जी आज तो भंडारे में कुछ नहीं बन रहा है। गुरु जी बोले कि तुमको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले आज एकादशी है, आज ना तो कुछ बनेगा ना तुमको कुछ मिलेगा। बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले गुरु जी हाथ जोड़ के मेरे से तो नहीं होगा, और शिष्य हैं आपसे करवा लीजिए, मेरे से तो नहीं होगा। बोले नहीं करना तो पड़ेगा। जब दीक्षा ले लिए हो, भगवान के शरण में आ गए हो, तो तुमको तो एकादशी करना पड़ेगा। तो भक्त बोला कि नहीं, अगर आज एकादशी हम कर लिए तो द्वादशी का मुंह हम देख ही नहीं पाएंगे। शाम तक ही हम गोविंदाय नमो नमो हो जाएंगे। अब संत बोले कि ऐसी बात है? बोले हाँ, मैं तो नहीं रह पाऊंगा एकादशी। बोले अच्छा, नहीं रह पाओगे तो जाओ भंडारे में, देखो कुछ सामग्री पड़ी है, जाओ जो तुमको चाहिए ले लो उसमें से, और चले जाओ नदी के किनारे, वहीं पे प्रसाद बनाओ और भगवत बुद्धि से भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, यहाँ भंडारे में नहीं बनेगा। बोला ठीक है। अब वो भंडारे में गया, दो ढाई से आटा लिया, गुड़ लिया, घी लिया, तेल लिया, नमक लिया, उसको जो चाहिए था सब लिया, लेके गया नदी के किनारे, वहाँ सब बनाया। बेचारा बनाया सब, बना के तब उसे ध्यान आया कि गुरु महाराज बोले कि भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे नहीं खाना है। तब वो भगवान को बुलाने लगा, बुलाया रज राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए,
मेरे भोजन का भोग लगाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो जो पुकारा, भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए, तो सोचा कि हम रूखी रोटी बनाए हैं, इसीलिए शायद भगवान रूखी रोटी और तालाब का पानी पीने के लिए क्यों आएंगे, नदी का पानी। हाँ, तो बोला भगवान लेट मत करो, आ जाओ। तो भी भगवान नहीं आए। फिर भगवान फिर वही पुकारा, राज राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भगवान नहीं आए तब वो भक्त बोलता है, यहाँ तो रूखी रोटी है, नदी का है पानी, आना तो जल्दी से आ जाओ। भगवान भगवान को बोला कि भगवान यहाँ ना तो पूरी पकौड़ी बना है, ना यहाँ मिठाई है, यह मंदिर नहीं है, मंदिर में एकादशी है, और यहाँ तो हम रूखी रोटी और नदी का पानी है, तो आओ भोग लगा लो। जब भगवान की, जब भक्त की भगवान ने ये पुकार सुनी उसकी, उसकी सरलता पे भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान आ गए, आए और प्रसाद लगाया। भगवान को बहुत प्रसन्न हुआ राम को देख के। राम बैठे प्रसाद लिए, प्रसाद साल लेके जब जाने लगे तो फिर वो भक्त राम से पूछता है कि भगवान अब इस बार जल्दी आना, लेट मत करना। तो राम बोले ठीक है, तुम जल्दी पुकारोगे तो मैं जल्दी आऊँगा। बोले ठीक है। अब फिर कुछ समय बीता, फिर जब एकादशी आई और उसने अपने गुरु को बताया नहीं कि वहाँ पे भगवान, वो सोचा कि भगवान आते होंगे। फिर जब दूसरी एकादशी आई तो फिर सोचा कि भगवान आएंगे, थोड़ा अब तो हम दो जन हो गए तो राशन थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। फिर गुरु जी के पास भी गया, बोला गुरु जी आज आटा 3.5 सेर चाहिए। गुरु जी बोले इतना क्या करोगे? बोले नहीं माँ, भगवान एक नहीं आते, दो आते हैं। बोले दो आते हैं? बोले हाँ। बोले जाओ ले लो। फिर गया वो, फिर 3.5 सेर आटा लिया, गुड़ घी सब लिया, फिर लेके फिर नदी के किनारे एकादशी के दिन आया। फिर आया, फिर प्रसाद बनाया, बना उना के जब भगवान के लिए भोग लगाने के, फिर उसको याद आई कि गुरु जी बोले भोग लगाने के लिए और भगवान को बोले आने के लिए। फिर वही पुकारा, राज राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जीव पुकारा, राम सीता के साथ में आ गए। अब वो भक्त देखा, बोला हद हो गई, अभी एक जन के लिए मैंने प्रसाद बनाया तब दो जन आ गए, अब तो हमें कुछ नहीं बचेगा। अब एक बार वो राम सीता की तरफ देख रहा होगा, एक तरफ रोटी की तरफ देख रहा है कि आज हमारा एकादशी हो ही जाएगा, आज एकादशी करा ही देंगे। फिर राम और सीता को, राम और सीता दोनों जन देख के उस वक्त तो हंस रहे, बोले क्या बात है, बहुत घबराए दिख रहे हैं। बोले घबराए नहीं दिख रहे हैं, आपको बोलना चाहिए हम दो जन आएंगे, हम तो एक जन का भोग बनाए हैं और आप दो जन आ गए, और वही देख रहे हैं कि आज भी हमारा एकादशी आप कराई दोगे। राम सीता जी हंसने लगे। फिर प्रसाद बना, राम और सीता को फिर लगाए बस, फिर दोनों जन ग्रहण किए। फिर जब जाने लगे तो बोले, तीसरी बार बोले कि अच्छा आप एकादशी अब सही सही बता के जाओगे, और कितनी बार कितने जन आओगे और बता के जाओ। तो बोले अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा। राम सीता दोनों जन बोले ठीक है बता दूंगा, जब आएंगे तो बता दूंगा। बोले नहीं अभी बता के जाओ, उतना हम प्रसाद बनाएंगे। तो बोले हम आएंगे तो बता देंगे। फिर
तीसरी बार जब एकादशी आई तो फिर वो भक्त को संकोच लग रहा था कि कैसे मैं गुरु जी से अब और आसन के लिए बोलूं, अब तो और आसन चाहिए। तो फिर गुरु जी के पास में गया, फिर बोला कि गुरु जी, हाथ जोड़ के उनके चरण में बैठ गया। गुरु जी बोले, बोलो क्या बात है? तो बोले कि थोड़ा राशन और बढ़ा दीजिए। बोले, और राशन क्या करोगे, उतना कम है? बोले, नहीं, वहाँ बहुत भगवान आते हैं, अभी इस बार दो जन का बना, इस बार तीन जन आएंगे। तो बोले, जाओ ले लो। फिर गया, फिर राशन, फिर वही राशन उठाया, सामान सामग्री फिर लेके आया, फिर नदी के किनारे। देखिए वो कितना सरल है वो भक्त, उसके सरलता पे भगवान आ रहे। हम लोग की सरलता नहीं है, हम लोग में नहीं सरलता है, उसके सरलता पे भगवान प्रकट हो रहे हैं। फिर गया, फिर भोग बनाया, फिर बनाया, बना के फिर वही पुकार, राजा राम आई सीता राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब वो भक्त दोनों जन को पुकार, राम सीता को, तब उस बार लक्ष्मण भी साथ में आए। फिर देखा भक्त, फिर माथा ठोका, फिर बोला हद हो गया, अभी दो से तीन हो गए। फिर वही रोटी की तरफ देखे, अपने भोग की तरफ, फिर तीनों जन की तरफ कि आज तो मुझे वो भी नहीं मिलेगा, आज भी मुझे एकादशी कराएंगे। फिर प्रसाद किए, फिर किए, फिर चौथी बार जब जाने लगे तो फिर चेतावनी देने लगे कि आप बता के जाओ, नहीं इस बार प्रसाद में नहीं बनाऊंगा। सीता मैया हंसने लगी, बोले कि नहीं, हम तीन जन ही आएंगे, राम लक्ष्मण सीता। बोले, सही बोली? बोले हाँ। फिर प्रसाद लिए, फिर तीनों जन चले गए। फिर चौथी बार फिर सोचा कि तीन जन तो बोले हैं, कहीं फिर न लेके आ जाए। तो फिर बोला गुरु जी से कि गुरु जी, वहाँ बहुत आप बोलते हो कि एक जन को भोग लगाओ, वहाँ पे दूसरी एकादशी को दो जन लगाए, फिर तीन जन आए, अभी इस बार तो क्या मालूम कितने जन आएंगे, तो मुझे और आटा चाहिए। तो गुरु जी बोले कि कितना? बोले, सात सेर चाहिए। तो गुरु जी को उस पर शक हुआ, बोले, कहीं ये बेचता तो नहीं है, उसके पीछे इसका पीछा करना पड़ेगा कि ये बेचता तो नहीं है। अब जब वो सामान लेके गया नदी के किनारे, तो उसने उस बार बनाया ही सब सामग्री ले जाके वैसे ही नदी किनारे रख दिया, रख के फिर भगवान को ही बुलाने लगा, राजा राम आई प्रभु राम आई सीता राम आई लक्ष्मण राम आई मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना जो ही पुकारा कि राम लक्ष्मण सीता भरत और साथ में हनुमान जी, पूरी उनकी टीम आ गई। अब जब भक्त देखा तो बोला कि लो, पूरी दरबार लेके आ गए अपना। तो भगवान से बोला, क्या तुम्हारे खानदान का पूरा मैं ठेका लिया हूँ? हाँ, अब मैं कुछ बनाया नहीं हूँ, पूरा सामान पड़ा है, अब आप बनाओ और पाओ, मैं कुछ नहीं बनाया हूँ। भगवान बोले कि बिना बनाए बुला लिया? बोले हाँ, अभी मैं बना बना के थक गया, अब सामग्री पूरी पड़ी है, आप बनाओ और पाओ। सीता मैया और राम हंसने लगी, लखन भी हंसने लगे। बोला, ये कौन है? बोले, मेरा भाई लखन, लक्ष्मण। बोले, स्वभाव से तो नहीं, स्वरूप से भी नहीं लग रहे कि लक्ष्मण आपके भाई हैं। राम बोले, नहीं, मेरे भाई हैं। बोले कि मैं बनाऊंगा नहीं, मैं जाके पेड़ के नीचे बैठता हूँ, आप ही बनाओ, आप ही पाओ। वो भक्त क्या किया गया, पेड़ के नीचे जहाँ वो प्रसाद बनाता था भगवान के, जाके आँख बंद करके बैठ गया। उसको मालूम था कि आज इतनी पार्टी आई है, हमको मिलने वाला नहीं है। तो क्या किए, जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण चले गए लकड़ी बिनने, और भरत क्या, भरत करने लगे, साग भाजी काटने लगे।
सब मिलके बनाने लगे प्रसाद, साग भाजी काटने लगे और हनुमान जी अपने पूछ से चौका पोछने लगे और हाथ से पोता बांधने लगे। हनुमान जी सब बानर जी ना सब मिलके करने लगे। उसके बाद सीता जी रसोई में आई। जब रसोई में आई तो सिद्ध महापुरुष लोग भी आ गए सीता जी जानकी जी को देख के, बोले हाथ जोड़ के बोले कि मैया मुझे भी प्रसाद चाहिए, मुझे भी प्रसाद चाहिए। अब वो भक्त सुन रहा है कि लो इनको भी प्रसाद चाहिए, तो अब तो मुझे अब पक्का मिलने वाला नहीं है आज कुछ, क्योंकि सबको आज चाहिए तो मुझे आज कुछ मिलने वाला नहीं। अब चुपचाप आँख बंद करके वो बैठा है। उसके बाद उसके गुरु महाराज आए। गुरु महाराज आए, बोले कि क्यों रो रहे हो, रो रहा है भक्त कि आज मुझे कुछ मिलेगा नहीं। गुरु बोले क्यों रो रहे हो, बोले कि इनकी लीला देखो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो बोले कि कौन, बोले अरे राम जी नहीं दिख रहे हैं आपको, बोले नहीं। बोले कि क्या इनकी भी लीला है, मुझे दिखा रहे हैं गुरु को नहीं दिखा रहे, दिख रहे हैं हाँ, और आज इतनी पार्टी लेके आए आज मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बोलते हो ना कि भगवान को बोलो तो पूरी सेना लेके आ गई, आज आज तो मेरा पक्का उपवास है, आज तो पानी भी नहीं मिलने वाला मुझे। तो गुरु बोले गुरु इनके कि कहाँ है राम, बोले क्या है इधर, बोले मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तब वो राम के चरण में जाकर देख के रोने लगा, बोला क्या लीला है आपकी, आप मुझे दिख रहे हो हमारे गुरु को नहीं दिख रहे हो, गुरु की वजह से हम भक्त बने तो आप उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। तो राम जी बोले कि वो भले ही ज्ञानवान है तुम्हारे गुरु, भले ही तुमको दीक्षा दी है, भले ही तुमको भक्त बनाए, जितने तुम सरल हो उतने तुम्हारे गुरु नहीं है सरल, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ गुरु को नहीं। तब वो शिष्य गया गुरु से बताया कि देखो इनकी लीला आपको नहीं दिख रहे, बोले तुम सरल हो तुम्हारे गुरु सरल नहीं है। तब गुरु भी रोने लगे, गुरु भी रोने लगे, बोले कि ये सच बात है कि मैं तुम्हारे जैसा सरल नहीं हूँ, भले ही मुझे ज्ञान है जो भी है लेकिन मैं सरल नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। तो जब वो रोने लगे तब राम जी उस गुरु के सामने प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब है कि भक्ति में हमें सरल होना चाहिए, अगर भगवान को प्राप्त करना है उन्हें रिझाना है, भगवान क्यों रिझे, उसके सूखी रोटी पर नहीं रिझे, उसके भाव पर, उसके सरलता पर रिझ गए भगवान और उसको दर्शन दिए उस भक्त को। लेकिन हम लोग सभी लोग सरल नहीं हैं, हम लोग क्या है अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, और ये चीज़ आप गांठ लगा लो भगवान को नहीं पसंद है, ये संसार के लोग को पसंद है, भगवान को ये चीज़ नहीं पसंद है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम सरल हो जाएंगे इस भक्ति की तरह तो हम भगवान को, भगवान हमें दर्शन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ भक्तों को भगवान स्वप्न में भी दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन हमें सरल बनना पड़ेगा। अगर हम सरल नहीं होंगे तो हम भगवान को प्राप्त, इस कथा से आप समझो कि हमें कैसे होना है, अपने को कैसे परिवर्तन करना है। कथा सुनने का मतलब कि जीवन में ऊंची उतारो तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो हम आएंगे और जाएंगे जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं आएगा, हमारा समय बेकार जाएगा। दूसरी कथा है कि एक कथा है बरसाना की, ये भी सच्ची कथा है कि बरसाने में एक सेठ रहते थे,
मैं इसलिए निकली क्योंकि थोड़ा कलयुग है, भूल जाता है। बरसाने में सेठ रहते थे, वो बहुत धनवान थे, सब कुछ था उनको। तीन बेटे थे, तीन बहुएं थी, लेकिन उनको पुत्री नहीं थी। उनको पुत्री नहीं थी, वो बहुत दुखी थे। वो संत से, एक संत से मिले। संत ने उस भक्त का उदासी का कारण पूछा, क्यों उदास हो? तब उस सेठ ने कहा कि गुरु जी, हमारे जीवन में सब कुछ है, धन दौलत है, मकान है, आलीशान दुकान है, सब कुछ है, तीन बेटे तीन बहुएं, लेकिन पुत्री नहीं है। पुत्री के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो संत ने कहा कि दुखी मत हो, तुम तो बरसाने के रहने वाली हो, तुम बरसाने के रहने वाले हो। अगर जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उस अभाव को हमें भगवान से जोड़ लेना चाहिए। किसी भी चीज का अभाव हो तो उस भक्त ने कहा, उस संत ने कहा कि आप तो बरसाने की रहने वाले हो, आप राधा रानी को अपनी पुत्री बना लो। बोले ठीक है। अब संत ने राधा रानी का एक चित्र मंगाया, फोटो कैलेंडर, जैसे हम लोग भगवान घर का घर में टांगते हैं कैलेंडर, मंगाया और उस भक्त को संत ने दिया, बोला इनको घर में लगा लो और इनको ही अपनी पुत्री मान लो, यही तुम्हारी पुत्री है। संत बोला ठीक है। अब वो कैलेंडर ले जाके अपने रूम में, जिसमें सेठ जी सोते थे, उसमें कैलेंडर लगा दिए। कैलेंडर लगा दिए, अब जब दुकान पे जाते थे तब राधे राधे बोलते थे, आते थे तो राधे राधे बोलते थे, जाते समय भी प्रणाम करते थे, आते समय भी प्रणाम करते थे। जब उनके बेडरूम में आता था प्रसाद भगवान का, तो राधा रानी को ग्रहण करके प्रसाद लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बनिहारी नहीं शेर जी के घर पर चूड़ी पहनाने के लिए, ओ शेर जी के घर में गई चूड़ी पहनाने के लिए, तो पहली बहू आई चूड़ी पहनाई, दूसरी बहू आई मनिहारी ने उसको भी चूड़ी पहनाई, तीसरी बहू आई उसको भी चूड़ी पहनाई। अब तीनों ने घूंघट निकाल निकाल के आए, चूड़ी पहन पहन के तीनों अपने अपने घर में चले गए। उसके बाद चौथी आई राधा रानी, राधा रानी आई अपना हाथ दी चूड़ी पहनाने के लिए। अब मनिहारी ने राधा रानी को भी चूड़ी पहना रही और देख रही है कि ये कौन है, क्योंकि वो मनिहारी नाती थी सेठ के घर पर चूड़ी पहनाने, उसको मालूम था कि इनकी तीन बहुएं ही हैं। तो देख रही है कि ये चौथा कौन है, चूड़ी वो चूड़ी पहना रही है, देख रही है। तो मनिहारी ने सोचा कि ये कोई मेहमान आए होंगे इनके घर पर, उसने चूड़ी पहना राधा रानी को, राधा रानी पहन के चूड़ी अंतर दान हो गई। तो चूड़ियानी का, मनिहारी का ये था कि जब वो चूड़ी पहनाती थी तो चूड़ी का पैसा लेने के लिए दुकान में जाती थी सेठ जी की, तो दुकान में ही सेठ जी देते थे। तो जब वो चूड़ी पहना के दुकान में गई, बोली कि मेरा पैसा दे दो। बोले सेठ जी कितना हुआ? तीन जन का ना? बोली तीन जन नहीं, चार जन। तो सेठ जी बोले कि चार जन कौन है? बोली नहीं, चार जन को हमने चूड़ी पहनाया। तो अब इसी में बहस होने लगा तो मनिहारी से और सेठ जी से। सेठ जी बोले हमारे घर में तो तीन बहुएं हैं, चौथा कोई है ही नहीं। तो बोली कि लेकिन आपके घर में मैंने चार जन को चूड़ी पहनाया।
तो सेठ जी ने पैसा नहीं दिया। बोला नहीं, पहले मैं छानबीन करूँगा कि चौथा कौन है, फिर मैं पैसा दूँगा। चुड़ियानी बोली ठीक है, आप छानबीन कर लो फिर पैसा देंगे। मनियानी चली गई। जब शाम को दुकान बंद के करके जब सेठ जी घर पर आए, जब परिवार इकट्ठा हुए, उनका रोज का नियम था कि जब वो दुकान बंद करके आते थे तो परिवार सब इकट्ठा एक बार होते थे। तो जब परिवार इकट्ठा हुआ तो सेठ जी पूछने लगे बहू से अपने कि कल तुम लोगों ने चूड़ी पहना था। तो बहू बोली कि हाँ। ये दूसरी से भी पूछे कि तुम भी पहनती? बोले हाँ। तीसरी से भी पूछे? बोले हाँ। बोले कि चौथा कौन था? तो बहू बोली कि चौथा तो कोई नहीं था। तो बोले सेठ जी बोले कि वही तो मैं भी मनियारी से बोला था कि चौथा तो कोई है नहीं, हमारी पत्नी थी वो बहुत पहले की गुजर गई है, तीन बहुएं ही हैं, चौथा तो कोई नहीं है। लेकिन वो बोली मैंने चार को चूड़ी पहना है। तो तीन बहुएं ने बोला कि नहीं, चौथा कोई नहीं था। अच्छा, रोज की तरह सेठ जी के घर बेडरूम में प्रसाद आया। सेठ जी ने राधा रानी को भोग लगाया, प्रसाद लिया। जब सो गए सेठ जी, जब सो गए तब सेठ जी के स्वप्न में राधा रानी आई। राधा रानी आई और राधा रानी बहुत उदास थी। राधा रानी बहुत उदास थी और राधा रानी रो रही थी। तो सेठ जी बोले कि राधा रानी से भी क्यों उदास हो? तो राधा रानी ने बोला कि आपकी वजह से। बोले मेरे वजह से? अभी स्वप्न में बात चल रही है। बोले मेरे वजह से? बोले हाँ। बोले क्यों रो रही हो? फिर बोली राधा रानी आपकी वजह से। बोले मेरे वजह से? बोले हाँ। अब इतना सुनते ही जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया की जय हो। अब इतना सुनते ही राजा भी सपने में रोने लगे। तो सपने में ही राधा रानी बोली कि तुमको तीन बहुएं याद थी, हमारी तीन बहू चूड़ी पहनी, बेटी नहीं याद आई? जब सेठ ने ये सुना कि राधा रानी बोली है कि तीन बहुएं याद आई, बेटी नहीं याद आई, तो ये सुन के सेठ की नींद खुल गई। सेठ की नींद खुल गई और सेठ जी बिस्तर पे बैठ के लगे रोने। और सुबह हो ही रहा था। सेठ जी ने क्या किया? पैसा लिया, घर में जितना पैसा था सब अपने जेब में लिया, लेके निकले मरिहानी के घर पर। गए, दरवाजा खटखटाने लगे। मरिहानी सोची कि इतना रात को कौन आया है। जब उठी, दरवाजा खोली तो देखी सेठ जी। सेठ जी रो रहे थे। बोली इतना सुबह? तो सेठ जी बोले हाँ। तो बोले कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसपे एक चौपाई है, अभी वो चौपाई मुझे याद नहीं, भूल गया है। चौपाई है कि राधा रानी ने उस सेठ ने मनिहारी के पैर पर गिर गए। बोले कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि अपने हाथ से राधा रानी के हाथ में चूड़ी पहनाई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। और मैं कितना भागा हूँ, उनके नेत्र से आंसू इतना गहरा था कि राधा रानी ने तो मुझे दर्शन भी नहीं दिए। उनको मैंने अपना बेटी माना, मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन तुम कितनी भाग्यशाली थी कि अपने हाथ से उनको चूड़ी पहनाई। तो भगवान हमको
राधा रानी किसी भी रूप में कैसे भी हमें मिलती है। बोलते हैं ना कि भगवान रोज हमें दर्शन देते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है, सब उनके ही है। चाहे पशु पक्षी मनुष्य जो भी है, सब उनके ही अंश है। वो रोज दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन हमारी आंखें वो नहीं है, भगवान वो इसी हमारे दिल की आंखें नहीं दिए कि हम उनके दर्शन कर पाए, लेकिन रोज वो हमारी खबर हम सभी की देते हैं। तीसरी कथा ऐसी है कि एक बार प्रयाग में, ये कथा हम बता रहे हैं आप लोग कथा से शिक्षा लेने की जैसी है कथा। भगवान मिलते हैं ऐसा नहीं है, भगवान मिलना भगवान की कठिन नहीं है, हमको भगवान के साथ में वैसा सिर्फ प्रेम के भूखे है भगवान हमारे। अगर हमारा प्रेम है तो भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे, हमें अनुभव जरूर कराएंगे, और हर भक्तों को अनुभव होता है भगवान का। ऐसे एक कथा है कि प्रयाग में शिविर लगा था एक बार, वहां पे साधु संतों की का शिविर लगा था, और एक राजा भी रानी के साथ ही वहां पे। कथा समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आएगी तो बताइए। तो वहां राजा भी रानी के सहित प्रयाग में थे। अब वहां सुबह सुबह अमृत वेला में रोज भजन कीर्तन सब संतों का सब रोज होता था, कथा कीर्तन नाम जप सब संत लोग यही करते हैं। अब रानी क्या अपने झरोके से देखती थी कि यहाँ पे कथा कीर्तन हो रहा है, मैं भी इस कथा कीर्तन में होती। रानी का भी मन बहुत मन किया कि मैं भी संतों के संग में मैं भी बैठती, जैसे आज हम सब लोग बैठे हैं एक साथ में भगवान के, यहाँ भगवान के संग में बैठे हैं हम सभी लोग। तो रानी का भी ऐसे ही मन हुआ कि हम भी इस भक्तों के संग में हम भी बैठती और हम भी कथा कीर्तन हम भी करती। तो जब सुबह हुआ अमृत वेला में, तो संत लोग सब भक्तों को उठाने लगे, उठो सब लोग स्नान करो, नाम राम राम कहो, राम राम कहो। तो रानी झरोके में से देख रही थी। रानी राजा से बोली कि मैं भी इस सत्संग में जाऊंगी, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी जाऊं। राजा बोले कि रानी तुम नहीं जा सकती हो, तुम ये तुम्हारे लिए सत्संग नहीं है, तुम अगर जाओगी तो राजधर्म का उल्लंघन करके जाओगी, तुम रानी हो, तुमको सत्संग में नहीं जाना है। और संसार के लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं भगवान के पास में क्यों जाऊं, हम बहुत बड़े सेठ हैं क्यों जाऊं, लेकिन उससे बड़ा सेठ कौन है, वो जब चाहे तो गिरा दे। लेकिन ये जीव संसार का नहीं सोचता है। वैसे वो राजा भी था, बोला तुम रानी हो, तुम सत्संग में कैसे जाओगे, तुम राज का उल्लंघन मत करो, तुम वहां नहीं जा सकती। रानी को बड़ा कष्ट हुआ, बोली इस राज धर्म से क्या मतलब कि मनुष्य का शरीर पाके भी हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, हमें सत्संग से जाने से रोका जा रहा है। दिन भर रानी रोती रह गई। जब रात हुआ तो प्रयाग में जल में जाके वो खड़ी हो गई रानी, और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मैं यह देह त्याग रही हूँ, यह आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं यह शरीर इसलिए त्याग रही हूँ कि रानी बन के क्या मतलब, जब मैं आपका सत्संग नहीं कर पा रही, मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो ऐसे शरीर से क्या मतलब।
इसलिए मैं ये शरीर छोड़ रही और अगला शरीर मुझे ऐसा देना कि मेरा नीच जाति में मेरा जन्म देना, मुझे ऊंच जाति में जन्म मत देना। यह बोल के रानी अपना शरीर छोड़ दी। अगले जन्म में उन्हें उनका जन्म हुआ सबर जाति में। सबर जाति में उनका जन्म हुआ। ये कथा पद्म पुराण में है, आप लोग पढ़ेंगे, बुरी कथा है। इसमें सबर जाति में रानी का जन्म हुआ और वो नाम पड़ा सबरी। अब वो छोटे से ही भगवान में उनका अनुराग बढ़ गया सबरी का। सबरी की कथा आप सभी लोग जानते होंगे कि बचपन से ही उनका भगवान में अनुराग बढ़ गया। अब संसार में तो ये होता है कि अगर कोई जल्दी भगवान में अनुराग बढ़ गया तो संसार वाले बोलते हैं अब इनकी शादी कर दो। अब गांव वाले बोलने लगे उनके पिता से कि अब सबरी की शादी कर दो। पिताजी देखने लगे उनके लिए वर, अब उनके लिए वर मिला सबरी के लिए। अब जिस दिन शादी था उस दिन सुबह से ही माँ श्रृंगार कर रही थी सबरी का। सबरी बोली कि माँ मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? तो माँ बोली कि बेटी आज तुम्हारा विवाह है शाम को, और बगल में जो कमरा है उसमें बहुत सारे प्राणी बंद किए गए हैं और उन बारातियों का इस प्राणियों का मांस खिलाया जाएगा। जब सबरी ने इतना सुना तो सबरी ने माँ का हाथ छुड़ाकर भागी, बोली मैं ये नहीं देख सकती। अब भागते भागते जब वो वन में आई तो देखी कि एक कुटिया है, वहीं पर गई। वहाँ पे कुछ संत थे। सबरी बोली कि हाथ जोड़ के बोली कि हमें यहाँ रख लो। अब वहाँ संत रखने को तैयार नहीं, जितने ब्रह्मचारी थे बोले नहीं नहीं यहाँ पर तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, तुम जाओ अपने घर लौट जाओ। लेकिन सबरी घर नहीं लौटी। वहीं कुछ दूर पर एक पेड़ था, वहीं पर बैठ कर सबरी रो रही थी। बोली कुछ भी हो जाए घर तो नहीं लौट के जाऊंगी। और सबरी देखती थी तब तक भगवान की ऐसी करिश्मा हुई, भगवान की आकाशवाणी हुई कि तुम सेवा करो। अब सेवा करें तो कैसे करें? आश्रम में लोग जाने नहीं दे रहे हैं तो सेवा कैसे करें? उसी पेड़ के पास में वो सबरी रहती थी। जब संत लोग सो जाते थे तब वो सबरी जाती थी, लकड़ी चुन के ला के रख देती थी, पुष्प ला के रख देती थी, झाड़ू लगाती थी, पानी भर के रख देती थी। और जब संतों के उठने का समय होता था तब वो भाग के आकर फिर पेड़ के पास में आके बैठ जाती थी। तो जब सुबह होता था तो वहाँ के जितने ब्रह्मचारी रहते थे संत लोग बोलते थे ये सब सेवा कौन करता है? तो वहाँ के जो संत थे वो ब्रह्मचारी को बोले कि देखो कि ये सेवा कौन करके जाता है। तो एक ब्रह्मचारी एक दिन वो जग रहा था, तो जब सबरी गई सब कुछ की, झाड़ू लगाई, पुष्प चुन के लाके रखी, जल भर के लाके रखी, लकड़ी चुन के लाके रखी, जब चलने और लकड़ी का गट्ठर जो लाके उसने रखा तो ब्रह्मचारी उठे और सबरी का हाथ पकड़ लिए। बोले अच्छा यही रोज करती है। जब सबरी का हाथ पकड़ लिए तो सबरी रोने लगी, बोली छोड़ तो मुझे। अब वो ब्रह्मचारी जो था वो बोला कि नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, मैं
अभी ऋषि मुनि के पास में लेके जाऊंगा। अब वो सबरी का हाथ पकड़ के मातंग मुनि के पास में लेके गए, जो ऋषि थे मातंग ऋषि, उनके पास में लेके गए। बोले यही लड़की है जो रोज पुष्प लाके रखती है, लकड़ी चुन के लाके रखती है, जल भरती है और फिर ये भाग के चली जाती है, यही लड़की है। अब वो इतना कांप रही थी, इतना रो रही थी कि मातंग मुनि जो थे उनको बहुत दया आई। बोले बेटी रो मत। उसने सारी व्यथा अपना सुना दिया मातंग मुनि को। मातंग मुनि को बहुत दया, बोले बेटी तुम रो मत, तुम मेरी बेटी हो और बेटी का अधिकार है कि पिता के घर में रहना, तो तुम आज से इस आश्रम पे रहो। सबरी बहुत खुश हुई, वो आश्रम पे रहने लगी और रोज राम राम करने लगी, रोज वहाँ का सेवा करने लगी। कुछ दिन के बाद जब मातंग ऋषि जाने लगे आश्रम छोड़ के, तो सबरी बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो मातंग ऋषि बोले कि बेटा जहाँ सब जाते हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। बोले कब आओगे? बोले वहाँ से आना कैसा, जो एक बार जाता है वो वहाँ से आता नहीं है, और जो ब्रह्मचारी थे वो बैठ के रो रहे थे। सबरी बोली कि जब आप चले जाएंगे तो मेरी देखभाल कौन करेगा, मैं कैसे रहूँगी? बोले उसकी चिंता मत करो, वो तुमको भगवान देखेगा। जो राम की चिंता करता है उसको श्याम ढूंढता है, तो तुम राम राम करिए तो श्याम ढूंढते, राम तुमको ढूंढते हुए तुम्हारे पास में आएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। मातंग मुनि चले गए। फिर सबरी बोली आप तो जा रहे हैं लेकिन आपके ऊपर सब बोलेंगे कि सबरी जात भिल्ली जात की सबरी को यहाँ पर रखे हैं आश्रम में। तो मातंग मुनि बोले कि बोलने दो, हाथी आगे आगे चलता है और कुत्ता पीछे पीछे भौंकता है, कुत्ता हाथी के आगे नहीं भौंकता है, पीछे भौंकता है। तो जो भूखेगा वो पीछे भूखेगा, हमारे सामने नहीं भूखेगा, तुम इसकी चिंता बेटी मत करो, तुम राम राम करो, एक दिन राम तुम्हारे पास आएंगे। ये कहकर मातंग मुनि चले गए। अब दूसरे दिन से सबरी तैयारी में लग गई, राम 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 करने लगी। तो एक दिन भगवान लक्ष्मण के साथ में पता करते करते आए और वहाँ कुछ ऋषि देखे उनको, क्योंकि जैसे मातंग मुनि बताए थे भगवान को वैसा ही उनका स्वरूप था। तो ऋषि समझ गए कि यही राम है और ऋषि लोग ने उनका शास्त्रीय वाचन किया। और उन ऋषियों से मातंग मुनि ने पूछा कि मेरी माँ सबरी किधर रहती है? तब उस जहाँ जो वहाँ ब्रह्मचारी थे वो बताए और सबरी वहाँ से देख रही थी और वो समझ रही थी कि राम है, क्योंकि गुरु ऐसे ही बताए हैं जैसे वो बताए थे वैसी है, ये राम है और वो लक्ष्मण है। तो जब राम ने पूछा संतों से कि सबरी का घर किधर है, तो संत ने इशारा किया और सब तब राम लक्ष्मण उसी रास्ते पे चल गए और सबरी देख रही कि अब राम हमारे कुटी में आ रहे हैं। और सबरी ने क्या किया, आंख बंद कर लिया। वो सोची कि इस कुटी में राम लक्ष्मण आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं चली जाऊं क्या यहाँ से? फिर सोची नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी,
जब राम लक्ष्मण वहां कुटी में पहुंचे और सबरी आंख बंद करके बैठी है, तो लक्ष्मण राम से कह रहे हैं कि इसी मैया की तारीफ कर रहे थे ना, देखो आगे खड़े हो कब से आंख बंद करके बैठी है। तो राम बोले लक्ष्मण से कि नहीं, हम दोनों को आने में विलंब हो गया। फिर थोड़ी देर राम लक्ष्मण खड़े हैं, फिर थोड़ी देर के बाद सभी सोचे कि शायद राम लक्ष्मण चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद आंख खोली, देखी तो राम लक्ष्मण खड़े हैं। फिर राम बोले मैया मैं आ गया हूँ, जिसकी प्रतीक्षा थी वो राम में आ गया। इतना सुनकर सबरी राम का चरण पकड़ के लिपट गई और अपने आंसुओं से उनका चरण धोने लगी। इतना रोई राम का, अपने आंसुओं से उनका चरण धोने लगी। और जो केस थे पूछी और फूल बिछाई, पुष्प उस पर भगवान को बैठा दिया राम लक्ष्मण, और कंद मूल बेर जो था वो सब भगवान के सामने अर्पण कर दिया कि आप इसे ग्रहण करो। तो हमारी प्रतीक्षा ऐसी होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि आज हम झोली माला उठाए या कल हमें भगवान मिल जाए। और पद्म पुराण में है कि 10,000 वर्ष तक सबरी प्रतीक्षा करती रही, प्रतीक्षा करते करते बुरी हो गई, तब भगवान जाके उसको दर्शन दिए, उसका भाव से दर्शन उसको दिए। तो हमारा भी भाव कैसा होना चाहिए, हमें भी थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम माला झोली उठाए हमको कल भगवान हमारा दुख हर ले। देखिए जीवन में दुख सुख तो है, ये संसार में हम लोग आए तो दुख सुख धूप छाँव तो है, भगवान सब बनाए, धूप बनाए, छाँव भी बनाए, दिन बनाए, रात भी बनाए, वैसे दुख भी है सुख भी है। लेकिन दुख सुख दोनों निरंतर नहीं रहेगा, जैसे रात होता तो दिन होता है, रात के बाद दिन आता है, वैसे अगर दुख है तो सुख जरूर आएगा। लेकिन आप घबराओ मत, घबरा के भक्ति मत छोड़ो, क्योंकि ये मनुष्य तन जो है बहुत भाग्य से मिला है, तो इस मनुष्य तन को सार्थक करो। क्योंकि सबरी कितनी तपस्या की तो जाके राम उसको दर्शन दिए। तो ऐसा नहीं है, अगर हमारी भी तपस्या अच्छी रहेगी तो भगवान भी हमें कभी न कभी दर्शन देंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं देंगे, हमेशा अपने मन में भाव अच्छा ही रखना चाहिए कि भाव भगवान हमारा अच्छा करेंगे, दर्शन देंगे, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, सबका भाव ग्रहण करते हैं, वो भाव ही ग्रहण करते हैं, हमारा कुछ नहीं लेते, हमारा भाव ही ग्रहण करते हैं। तो हमारे अंदर भाव अच्छा रहेगा तो भगवान हमें भी दर्शन देंगे। जब एक भिलनी जाति को दर्शन दिए तो हमें क्यों नहीं देंगे, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, क्यों नहीं देंगे नई जन्म में, अगले जन्म में देंगे। ऐसी तीन कथा, चौथी कथा है कि जैसे अभी भक्त, चाहे पुराने भक्त हो चाहे नए भक्त हो, वो भी चाहते हैं कि मैं तुरंत लक्ष्मी मिलनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी कब मिलेंगी, जब हम भगवान के पूर्ण शरणागति हो जाएंगे तब हमें लक्ष्मी मिलेंगी और वही हमें शांति देंगी। जैसे एक जगह नर लक्ष्मी और नारायण का मंदिर था, हम लोग कैसे विचलित होते हैं उस पर कथा है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहां पे जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया की जय है। जैसे यहाँ पर जगन्नाथ बलि सुभद्रा मैया है, बैठे हैं
वैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, तो कुछ भक्त दर्शन करने के लिए गए और कुछ माताएं ज्यादा उत्सुक रखती हैं लक्ष्मी के लिए, क्योंकि लक्ष्मी के लिए वो कितना कितना उपवास क्या क्या करती हैं कि कैसे मैं लक्ष्मी प्राप्त हो। लेकिन ये ध्यान रखिए, सिर्फ लक्ष्मी आएंगी तो आपके घर में शांति नहीं दे सकती है। वो आज है क्योंकि वो चंचला है, आज है तो कल कहीं और है, हमें धोखा दे के वो जाएंगी। लेकिन अगर भगवान के शरण में है तो हमें दोनों मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे लक्ष्मी भी मिलेंगी। तो जो माता जी थी वो गई लक्ष्मी जी के पास में, नारायण लक्ष्मी दोनों का विग्रह था। तो माता जी गई लक्ष्मी के सामने और जाके लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने लगी, झोली फैला ली अपना ऐसा कि मुझे लक्ष्मी दे दो। लक्ष्मी दे रही थी, लक्ष्मी जी ने उठाई, उनके झोली में लक्ष्मी डाल दी और वो माता जी क्या की, झट करके अपना पल्लू ऐसा अपने सीने के पास में लगा दी और नारायण के तरफ भी कुछ भक्त थे। नारायण क्या दे रहे थे, शांति दे रहे थे। तो जो नारायण के तरफ थे, अब वो माता जी जो थी वो लक्ष्मी लेकर अपना पल्लू ढक ली, छाती से लगा ली कि कोई देख न ले लक्ष्मी। फिर नारायण के तरफ देखी तो वहां जो भक्त थे वहां देख रहे हैं कि वहां पे भक्तों के झोली में भगवान शांति डाल रहे हैं और भगवान के हाथ से एक शांति नीचे गिर गई। तब तक जो वो माता जी जो लक्ष्मी ली थी वो झट करके वो शांति को उठाने गई, तब तक भगवान क्या किए, अपना चरण उसी पर दबा दिए, शांति को चरण से दबा दिए, वो नहीं ले पाई। तो भगवान के कहने का मतलब ये है इस कथा से कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, भगवान के चरण में। हमें लक्ष्मी शांति नहीं देंगी, लक्ष्मी क्यों लाएंगी तो हमें बिगाड़ देंगी, वो हमें बिगाड़ती है। लक्ष्मी आएंगी तो हमें बिगाड़ेंगी, क्योंकि जब बहुत सारा लक्ष्मी रहेगा तो हम क्या करते, गलत मार्ग पे जाते हैं। और आजकल देख ही रहे हैं कि आजकल के जो नवयुवक हैं उनको कितना टेंशन है और वो टेंशन अपना कैसे दूर करते हैं, ड्रग्स लेकर, उससे वो अपनी मानसिक थकान दूर करते हैं। लेकिन क्या थकान उससे दूर होती है, नहीं होती है, वो तो और बर्बाद करती है। लेकिन वही युवक अगर भगवान के शरण में चल जाए, पूर्ण शरणागति ले ले, तो वो मानसिक रूप से भी शांत हो जाएंगे, उन्हें ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें उनका मन थकेगा नहीं। इस संसार में हमारा मन थकता है, लेकिन भगवान में जब हम लग जाएंगे तो नहीं थकेंगे। ऐसे एक कथा है कर्मा बाई की, अभी भोग लग गया है, बस ये कथा मैं करके, ये कथा तो और है लेकिन समय हो गया है। कर्मा बाई की छोटी सी कथा है, इससे भी आप शिक्षा ले सकते हैं। कर्मा बाई राजस्थान की रहने वाली थी, ये भी कथा बहुत प्रचलित है। उसके न मायके में न माँ बाप थे, न ससुराल में सास ससुर थे, सिर्फ उसके पास एक गाय और एक भैंस थी और उसी गाय भैंस के दूध से वो उसके घर पे जो भी अतिथि आते थे उसी से वो उनका सेवा करती थी। उसको कोई पुत्र नहीं था और वो भी बहुत कर्माबाई भी बहुत दुखी थी और भगवान को यही बोलती थी कि मुझे भी एक पुत्र दे दिया होगा। तो एक दिन कर्माबाई नदी में उस गाय और भैंस को स्नान कराने के लिए लेके गई। देखिए उसका भाव ऐसा था, भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मुझे भी एक पुत्र दे दिए होते
तो स्नान करा रही थी और संजोग से कि उस नदी में एक विग्रह मिला ठाकुर जी का, और वो विग्रह खंडित था। तो जब कर्माबाई के पैर से वो विग्रह लगा तो कर्माबाई जब उठाई तो देखी तो विग्रह था। उस विग्रह का चेहरा जगन्नाथ जी के जैसा गोल मटोल था। अब वो इतनी प्रसन्न हुई उसे जैसे लगा कि उसको क्या मिल गया। एक भक्त के घर में जब भगवान आते हैं तो उनको ऐसी प्रसन्नता होती है कि क्या मिल गया। अब वो लेके आई घर में, आसन बिछाई, कपड़ा बिछा के और ठाकुर जी को विराजमान कर दी। अब भगवान के लिए सोची अभी इनके लिए क्या बनाऊं। अब उसके घर में बिचारे के कुछ तो था नहीं, तो सोची चलो आज खिचड़ी बनाती हूँ, आज ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाऊंगी। अब वो इतनी प्रसन्न थी कि जैसे लगा उसे क्या मिल गया, वही खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना रही है, खिचड़ी बना के ला के जब कर्माबाई ठाकुर जी के सामने ला के भोग लगाई और भोग लगा के देख रही है कि सोची कि आज मेरे यही लाला है, मेरे पुत्र नहीं, आज यही हमारे पुत्र हैं। यही अपने मन में भाव ग्रहण कर रही है और बोल रही है सब मन में कि भगवान मेरा भाव ग्रहण करो और ये खिचड़ी का भोग लगा लो। अब भगवान क्यों भोग लगाए, भगवान नहीं भोग लगा रहे। फिर देखी भोग वैसे के वैसे पड़ा है। फिर सोची कि अरे भगवान तो भोग ही नहीं लगाए। फिर उसके दिमाग में आया कि मैंने पर्दा नहीं लगाया है। अभी आप देखे यहाँ पर भोग लगा तो पर्दा लगा, तो कर्मा भाई को उसको लगा कि मैंने पर्दा नहीं लगाया, शायद ठाकुर जी इसके लिए भोग नहीं लगा रहे। तो उसके पास बेचारे का कुछ नहीं था, उसने क्या किया, अपना लहंगा उठाया और लहंगे का ही पर्दा लगा दिया। लहंगे का पर्दा लगा के थोड़ी देर के बाद फिर देखी ठाकुर जी भोग लगाए, फिर देखी भोग वैसे ही पड़ा है। फिर बड़ी दुखी हुई, फिर सोची कि अभी भी भोग नहीं लगाए। फिर ध्यान करने लगी, बोली अरे भोग लगाते समय घंटी बजाते हैं, घंटी तो मैंने बजाया नहीं, शायद इसके लिए भोग नहीं लगा रहे। फिर कर्माबाई गई घंटी बजाई, बोली अच्छा घंटी नहीं बजाई थी इसके लिए भोग नहीं ग्रहण करो, अब बजा दे जो ग्रहण कर लेना। घंटी बजा के फिर बैठी हाथ जोड़ के, फिर सोच रही मेरे लाला खिचड़ी खा लेंगे। थोड़ी देर के बाद जब देखी तो भोग वैसे ही पड़ा है। अब कर्मा माई बड़ी दुखी हुई, बोली इतने दिन के बाद हमारे लाला आए भी घर में तो अब खिचड़ी नहीं खा रहे, क्या करूं। तो मनाने लगी, हम लोग कैसे मनाते बच्चों को, वैसे ही पुचकारने लगी लाला को, बोली कि खा लो कल अच्छा अच्छा भोग बनाएंगे, आज खिचड़ी खा लो। दूसरे दिन फिर भोग बना के ला के रखी, फिर नहीं खा रहे। तो उस दिन दूसरे दिन कर्माबाई क्या हुई, मूर्छित होके गिर गई। बोली कि लाए भी घर में आए भी हम इनको पुत्र भी बनाए तो भी भोग नहीं खा रहे हैं। अब वो मूर्छित होके रोते रोते गिर गए। जब भगवान ने देखा कि ये मूर्छित हो गए तब भगवान फटाफट भोग खा लिए। तब कर्मा भाई को होश आया। तब कर्मा माई देखी, झांकी देखी तो वो भगवान खा लिए थे, तो बड़ी प्रसन्न हुई। तो जब जाने लगे तो भगवान ठाकुर जी सपने में उसको दर्शन दिए, बोले देखो मैं जगन्नाथपुरी से आऊँगा सुबह, क्योंकि हमको जितने बजे मंदिर वहाँ खुलता उसके पहले ही यहाँ के मैं खिचड़ी खा के वहाँ चले जाऊँ, उसके पहले ही खिचड़ी बना के रखना। कर्मा भाई बोली ठीक है। बेचारी सुबह सुबह बिना नहाए भगवान को खिचड़ी तैयार करने लगी। दरवाज़ा सुबह सुबह भगवान 7 बजे ही खटखटाने लगे। कर्मा भाई सोची कौन है, उसमें वो खिचड़ी तैयार कर रही थी। दरवाज़ा खोली तो ठाकुर जी खड़े,
पल्लू पकड़ लिए। बोले माँ मुझे भूख लगी है, तो बोली कि अच्छा ठहर, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। बोली अरे जल्दी, नहीं तो वहाँ मंदिर खुल जाएगा तो होगा कि किधर गए। तो कर्मा बाई ने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई और बना के भोग अर्पण की। ऐसे कर्मा बाई के घर पर भगवान रोज आते थे, रोज खिचड़ी खा के जाते थे। तो भगवान ही नहीं देते थे कि वो नहाई है कि नहीं नहाई है। जैसे हरि नाम में भी है कि बिना नहाए धोए भगवान का नाम जप करो। भगवान का नाम उठते बैठते ऐसा नहीं है कि आप नहा के ही, हरि नाम में ये झूठ है कि आप बिना नहाए भी भगवान का नाम ले सकते हो। कैसे भी खाते उठते बैठते सोते हर हाल में कलयुग में भगवान का नाम आप लेते रहो। एक बार लीजिए सब लोग प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सभी लोग भगवान का नाम लीजिए। अगर जिसके पास झोली माला नहीं हो तो यहाँ से झोली माला ले लीजिए। कुछ माता जी लोग कुछ प्रभु जी लोग बोलते हैं कि हम हाथ पे करते हैं, हाथ पे मत करिए, हाथ से सेवा करिए भगवान का। देखिए सबरी सेवा करती थी लेकिन वो दिखाती नहीं थी। सेवा हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, हमें दिखाना नहीं चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। ये शिक्षा हमें सबरी से लेना है कि सबरी सेवा करके चली जाती थी कि हमें कोई देखे ना, लेकिन आजकल के सेवक दिखाते हैं। यहाँ कोई अपने ऊपर कोई जन मत लेना, मेरे कहने का मतलब है, मैं ये बोली सेवा ऐसे करना चाहिए क्योंकि भगवान को सेवा से भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साधन है जिससे भगवान को रिझा सकते हैं और भगवान हमारे रिझ जाते हैं। कलयुग है, बहुत जल्दी रिझ जाएंगे, लेकिन हमारा भाव ऐसा रहना चाहिए, हमें अपने भाव को ऐसा बनाना चाहिए। तो हमें उठते बैठते हरि नाम, अभी माँ देखिए कीर्तन मैंने शुरू में किया, किसी ने नहीं बोला, सब चुपचाप हाथ पे हाथ दे के बैठे हैं, इससे क्या होगा। अभी कहावत है कि हमारे पास 56 भोग रहे, अगर सुंदर थाली नहीं रहेगा तो भोग अच्छा लगेगा नहीं, अगर सुंदर कीर्तन हो और अगर ताली नहीं रहे तो कीर्तन अच्छा लगेगा नहीं, कान सुंदर है अगर अंबाली नहीं पहने तो सुंदर लगेगा नहीं। तो इसलिए कीर्तन का उत्साह बढ़ाने के लिए हमें ताली बजाना चाहिए और ताली से हमारा क्या होता है, हमारा भाग्य भी बदलता है। आप करके देखो कि जब ताली बजाओगे तो आपका आपके भाग्य में भी परिवर्तन आएगा। भगवान की वो भगवान देखा भी बदलता हमारा। और जब हम झूम झूम के कीर्तन करते हैं तो हमारे पाप की गठरी हमारे सर पे रहती है। गठरी कहाँ रहती है, सर पे ही रहती है पाप की गठरी। हम कभी भगवान से कामना भी मत करना कि मुझे ये दे दो वो दे दो, अगर कामना की है तो हम घाटे में रहेंगे। आप कामना मत करो कि मुझे ये दे, आप सिर्फ भगवान की शरणागत हो जाओ। आप ये बोलो आप मेरे हो मैं आपका हूँ, बस इतना ही बोलो। सारी देखभाल वही करेगा, सारी कामना आपकी पूर्ण वही करेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, अच्छी बात है, फिर हमारी कथा सब समझ गए और सबको अच्छी भी लगी। तो हमारी कथा आज जो थी, इस कथा से आप लोग शिक्षा लीजिए, सबरी की कथा से और शर्मा बाई की कथा से, मैंने चार जो भी कथा सुनाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama.